वैसे तो किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बोर्ड का काम होता है उस खेल को पूरी दुनिया में फैलाना, उस खेल को ग्लोबल बनाना। लेकिन आईसीसी के कई फैसले इस तरह के हैं कि वो यही फैसला नहीं कर पाते बेस्ट टीम कौन है और किसी को भी जीता हुआ घोषित कर देते हैं। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल कौन भूल सकता है, जहाँ पे एक टाई मैच का फैसला बाउंड्री के आधार पर हो गया। खैर, हम 2019 की बात नहीं करते, 2021 आ चला है, 2021 से है और 2022 में होना है वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में। उसके क्वालिफायर चल रहे थे जिम्बाब्वे के हरारे में, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में क्वालिफायर चल रहा था। थाईलैंड की टीम हर एक टीम को हरा रही थी, बांग्लादेश को हराया, यूएसए को हराया, तमाम अपने से ऊंची ऊंची रैंक की टीम को थाईलैंड ने हरा दिया। अपने ग्रुप में टॉप पे थी, अगर एक दो मैच हार भी जाती थाईलैंड का तय था कि थाईलैंड न्यूजीलैंड जा रही है, ये बात पक्की है, क्योंकि इस सुपर लीग से तीन टीमों को क्वालिफाई करना था। लेकिन जैसे ही नया वेरिएंट आया कोविड का, आईसीसी बीच में से एक ऐसा नियम लाया कि जितने भी मैच हुए थे उनका कोई मोल ही नहीं बचा। बांग्लादेश की टीम जो क्वालिफाई नहीं करने जा रही थी वो भी क्वालिफाई कर गई। आईसीसी ने कहा अब ये जो मैच हुए हैं हम इनको काउंट ही नहीं कर रहे, मतलब जो अब 2-3 महीने से टीमें तैयारी कर रही थी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की वो काउंट ही नहीं होंगे। इसके बाद थाईलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि थाईलैंड की टीम क्वालिफाई कर गई थी लगभग, बस इतना सा दूर थी। ऐसे में आ गया आईसीसी का नया नियम कि जाइए अब हम इस लीग को आगे नहीं चला रहे, रैंकिंग के आधार पर फैसला हो गया, आप सेलेक्ट नहीं हुए। आखिर यह कौन सा नियम होता है आईसीसी का जो बीच में से कहीं से भी टपक के आता है, एक डिजर्विंग टीम को जो वो डिज़र्व करती है उससे दूर कर देता है। थाईलैंड की टीम न्यूजीलैंड जाना डिज़र्व करती थी, ये हकीकत है। थाईलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मेहनत की, उनकी महिलाएं अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं पुरुषों से कहीं ज़्यादा। थाईलैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम इतनी तगड़ी है कि थाईलैंड की मेन्स क्रिकेट टीम को हरा दे। थाईलैंड में महिलाओं के बीच में क्रिकेट काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है, कई क्रिकेट क्लब खुले हैं और उन क्रिकेट क्लब में सीखने वाले पुरुषों की भीड़ नहीं है, महिलाओं की भीड़ है। और इसके बाद जब थाईलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली, उसके बाद थाईलैंड को ये सिला मिला कि बीच में से एक रूल आया और उसने थाईलैंड को बाहर कर दिया। यकीनन जब तक ऐसे रूल रहेंगे तो एसोसिएट देशों का मनोबल टूटता रहेगा। पहले ही एसोसिएट देशों का मनोबल तोड़ा हुआ है आईसीसी में, ने उनको वर्ल्ड कप नहीं खेलने देते, 10 टीमों का वर्ल्ड कप कर दिया 50 ओवर का, जाहिर सी बात है दिल तो टूटेंगे ही। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।